हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मैं हूं बच्चों आपका केमिस्ट्री मेंटर प्रज्वल सिंह। बच्चों यहां पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे परमाणुओं की साझेदारी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? परमाणुओं की साझेदारी। परमाणुओं की साझेदारी का क्या मतलब है बच्चों? अगर कोई एकक कोष्ठिका होगा, मतलब कोई क्रिस्टल होगा, तो उसमें परमाणुओं का योगदान कैसे देखेंगे? कोने पर होगा तो क्या योगदान होगा, फलक पर होगा तो क्या योगदान होगा, अंतः केंद्र पर होगा तो क्या योगदान होगा, कोर पर होगा तो बच्चों क्या योगदान होगा, ये सब बातें हम करेंगे। और दूसरी पॉइंट बच्चों हम क्या देखेंगे? एकक कोष्ठिका के प्रकार, कि एकक कोष्ठिका के कितने प्रकार होते हैं और एकक कोष्ठिका बच्चों कितने प्रकार की होगी, उसके हम टाइप्स देखेंगे। तो आइए बिना लेट के आपका लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आपकी हेडिंग लगा लेते हैं परमाणुओं की साझेदारी या योगदान। परमाणुओं की साझेदारी या बच्चों क्या लिख रहे हैं हम आपका? योगदान। परमाणुओं की साझेदारी या बच्चों हम क्या लिख रहे हैं आपका? योगदान। तो बच्चों सबसे पहले आप बताइए कि कोई एकक कोष्ठिका ले लिया हमने। क्या लिया बच्चों? एकक कोष्ठिका ले लिया। ये बच्चों ने क्या ले लिया? कोई एकक कोष्ठिका। कहने का मतलब क्या बच्चों? ये मात्रक कोष्ठिका है। क्या है? एकक कोष्ठिका है, या हम इसे क्या कहेंगे? मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल। तो क्या नाम है बच्चों इसका? एकक कोष्ठिका या बच्चों मात्रक कोष्ठिका। और बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? अगर इंग्लिश में कहेंगे तो बच्चों हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। इतनी बातें बच्चों क्लियर हुई? हाँ। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये बच्चों जहाँ पर ये भुजाएं मिल रही, इसको हम क्या कहते हैं? कोना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोना। क्या कहते हैं बच्चों? कोना। और ये क्या बच्चों? ये भी कोना होगा, ये भी कोना, ये भी कोना, ये भी कोना, ये भी कोना, और ये भी, और ये भी। तो कुल 8 कोने होते हैं बच्चों। कितने कोने होते हैं एकक कोष्ठिका में? 8। इसको बच्चों आप क्या कहते हैं? इसको बच्चों हम सब क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं आपका? फलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों आपका? फलक कहते हैं। तो एक फलक ये हो गया बच्चों, दो ये हो गया, ये दो फलक, एक पीछे दिख रहा है बच्चों, ये 3 हो गया, और एक क्या है बच्चों? 4। ये क्या हो गया बच्चों? 5। और देखिए बच्चों कुछ फलक को हमने बच्चों वहाँ पे लाइंस नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्यों आपको समझ में आए। एक फलक, दो फलक, एक बच्चों क्या है? पीछे है। 3 ये, 4 ये, 5, और एक बच्चों क्या है? ये फ्रंट है आपका। तो ये है बच्चों। ये क्या बच्चों? 6 फलक। तो एकक कोष्ठिका में कितने फलक होंगे बच्चों? 6 फलक होंगे। और इसको आप क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों आप सब? फलक कहेंगे। अब फलक कितने थे बच्चों? 6 होते हैं।
अब बात करें परमाणु को योगदान का बच्चों। अगर बच्चों आपकी यहां पर बच्चों एक परमाणु को रख दिया जाए, कोने पर एक परमाणु को रख दिया जाए, तो इसका योगदान कितना होगा बच्चों एक परमाणु का? तो क्या होगा बच्चों, देखिए अगर यहां से इस लाइन को बढ़ाएं, ये बच्चों आपको इतनी बातें दिख रही है, तो आप ये जो परमाणु होगा बच्चों कैसा होगा आपको हम थोड़ा सा दिखाएं। ये कैसा गोलाकार होगा बच्चों। अब गोलाकार में यदि इसको हम यहीं से बच्चों यदि हम आपका बना दें एक लाइन बच्चों यहां से हमने ड्रा कर दिया, तो आधा तो ऊपर हो गया और आधा बच्चों क्या हो गया नीचे हो गया, और ये भी बच्चों कितने टुकड़े में बच गया बच्चों, एक दो तीन चार। तो अगर बच्चों यहां पर आप देखेंगे और चार तो बच्चों इधर बटा, और ये पूरा योगदान थोड़ी ना होगा, अगर हम देखें तो आधा यहां से इसके सेंटर से होगा बच्चों इस प्रकार से, तो आधा तो बच्चों आपके यूनिट सेल में होगा, एक यूनिट सेल, आधा अगले यूनिट सेल में होगा, मतलब बच्चों चार यहां पर और चार यहां पर, तो मतलब इसका जो योगदान निकल के आया बच्चों कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान कितना होता है एक बटे आठ होता है। क्या होता है बच्चों एक बटे आठ, तो हम क्या लिखेंगे कोनों पर उपस्थित परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान कितना था बच्चों एक बटे आठ होता है। दूसरी बात बच्चों अगर यही बात बच्चों फलक पर बात करें, अब फलक पर बात करेंगे बच्चों तो आज इस बाल को बच्चों आप भली भांति देख पा रहे होंगे, इसको हमने दबा करके कंप्रेस करके क्या किया थोड़ा सा पिचका दिया, इसलिए कि बच्चों क्या होगा आधा परमाणु इस एकक कोशिका के अंदर होगा, इस एकक कोशिका के अंदर होगा, और आधा बच्चों दूसरी एकक कोशिका से शेयर किया होगा, आधा इसके साथ आधा दूसरे के साथ, तो इस एकक कोशिका को बनाने में जो परमाणु का योगदान होगा आधा होगा। क्या होगा बच्चों आधा होगा, मतलब फलक पर उपस्थित परमाणु का योगदान कितना था बच्चों वन बटे टू होता है। कितना होता बच्चों आधा होता है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं आपका कितना होता बच्चों आधा होता है। तीसरी बात अगर बच्चों यही परमाणु को हमने इसी एकक कोशिका के अंदर रख दिया, कहां पर रख दिया बच्चों अंदर रख दिया, अंदर सेट कर दिया, तो पूरा का पूरा होगा बच्चों परमाणु उस एकक कोशिका में, पूरा का पूरा परमाणु किस में होगा उस एकक कोशिका में होगा। अब उस एकक कोशिका में पूरा का पूरा परमाणु होगा उसका योगदान कितना होगा बच्चों अंतः केंद्र में उपस्थित, अंतः केंद्र में उपस्थित परमाणु का योगदान कितना होता है बच्चों एक होता है, पूरा का पूरा परमाणु होता है जो एक होता है। एक परमाणु लिख लो या एक लिख लो, बात एक ही है, ठीक ना। कोने पर उपस्थित का एक बटे आठ बच्चों, फलक पर एक बटे दो बच्चों, अंतः केंद्र में कितना होगा बच्चों एक का योगदान होता है। तो ये रही बच्चों आपके परमाणु का योगदान।
एक एक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका के प्रकार। बच्चों अगर बात करें हम आपकी एकक कोष्ठिका की, तो आपकी एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है बच्चों। एक सिंपल होता है, साधारण होता है, और एक क्या होता है बच्चों, केंद्रित होती है। एक क्या होता है सिंपल होगा और एक क्या होगा सेंटर्ड होगा। तो दो प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है बच्चों। एक क्या होती है सरल घनी एकक कोष्ठिका। क्या होता है बच्चों सरल घनीय सरल घनी सरल घनी एकक कोष्ठिका। सरल घनी एकक कोष्ठिका। और बच्चों दूसरा क्या होता है केंद्रित। क्या होता है बच्चों केंद्रित घनी है, केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। क्या बच्चों केंद्रित घनी है एकक कोष्ठिका। केंद्रित घनी है एकक कोष्ठिका। तो कितने प्रकार की एकक कोष्ठिका है बच्चों, दो प्रकार, एक सरल और एक केंद्रित। अब सरल क्या होता है बच्चों और केंद्रित क्या होता है, यहां पे बच्चों ध्यान दीजिए। ये हमने बनाया बच्चों एकक कोष्ठिका। क्या बनाया बच्चों एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। और यदि बच्चों परमाणु कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, अवयवीकरण कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, अगर इसकी बात करेंगे बच्चों, तो आपको हमने तीन बातें बताई। कहाँ पे हो सकते हैं, कोनों पर। कहाँ पे हो सकते हैं बच्चों, फलक पर। कहाँ पे हो सकते हैं बच्चों, अंतः केंद्र पर। अगर बच्चों परमाणु की पोजीशनिंग देखेंगे, अवयवी कणों की पोजीशनिंग देखेंगे कहाँ पर हो सकते हैं, तो तीन जगह पर बच्चों, कॉर्नर कोना, फेस फलक, और बच्चों अंतः केंद्र पर हो सकते हैं। जैसे बच्चों अगर हमने परमाणुओं की उपस्थिति केवल कोनों पर दिखाएं बच्चों, कहाँ पर दिखाएं, केवल कोनों पर दिखाएं, उसको हम क्या कहते हैं, सरल कहते हैं, सरल घनी एकक कोष्ठिका। क्या कहते हैं बच्चों, सरल घनी एकक कोष्ठिका। तो क्या रहा बच्चों, वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु कहाँ पर हो, कोने पर हो, इसको हम कहते हैं बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहते हैं बच्चों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। क्या कहते हैं बच्चों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और साथ ही बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, SCC कहते हैं। क्या कहते हैं, SCC। और बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु केवल कहाँ पर हो बच्चों, कोने पर हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल घनी एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लें बच्चों, सरल घनी एकक कोष्ठिका।
क्या लिखें बच्चों, वह एक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु, बच्चों आप अणु भी लिख सकते हैं, आयन भी लिख सकते हैं, अब ये भी कण भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें परमाणु केवल घन के जिसमें परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल घनी एकक कोष्ठिका उसे सरल घनी एकक कोष्ठिका कहते हैं। और इसका बच्चों स्ट्रक्चर जो बनाए, चित्र हमने बनाया बच्चों, कहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर, कहाँ पर बना रखा बच्चों, यहाँ पर हमने बना रखा है। अब यदि हम बात करें कि जब बच्चों फलक पर हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, जब बच्चों अंतःकेंद्र में हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो आइए, अगर बच्चों कोने पर भी परमाणु हैं और फलक पर भी हैं तो उसको फलक केंद्रित कहेंगे, अगर कोने पर भी परमाणु है अंतःकेंद्र में भी है तो क्या कहेंगे, अंतःकेंद्रित कहेंगे, अगर कोने पर भी हैं और विपरीत फलकों पर भी हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। तो आइए देखें बच्चों, केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, अगर आपके परमाणु कोने के अलावा, कहाँ बच्चों, कोने के अलावा और अन्य स्थितियों पर, और अन्य स्थितियों पर जैसे फलक पर, जैसे फलक पर, जैसे अंतःकेंद्र में, जैसे विपरीत फलकों पर, किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो क्या सीखा बच्चों, क्या सीखा हमने, क्या सीखा बच्चों, वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु कोनों के अलावा अन्य स्थितियों, जैसे फलक, अंतःकेंद्र तथा अंतःकेंद्र पर
उपस्थित होते हैं। तो उसे केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिखा, वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु कोने के अलावा अन्य स्थितियों पर जैसे फलक अन्य स्थितियों पर जैसे फलक अंतः केंद्र तथा अंत केंद्र पर उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका कहते हैं। मतलब बच्चों कि परमाणु जो होंगे कोनों पर और प्लस बच्चों कहां पर हो, फलक पर हो, तो एक एकक कोष्ठिका बनेगी, तो इसका नाम फलक से पड़ेगा बच्चों। तो फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होगी। अगर यही बच्चों कोनों पर कहा बच्चों कोनों पर हों और कोनों को साथ साथ बच्चों कहां पर हों, आपका अंतःकेंद्र कहा बच्चों, अंतःकेंद्र मतलब एकक कोष्ठिका के बीचों बीच, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका। और यही बच्चों अगर आपका कोने पर हो और बच्चों अंत स्थिति मतलब बच्चों किन्नी दो विपरीत फलक किन्नी दो विपरीत फलक, तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या बात निकल के आई कि बच्चों केंद्रित एकक कोष्ठिका तीन प्रकार की, एक फलक केंद्रित, एक अंतःकेंद्रित और एक बच्चों अंतःकेंद्रित होगा। तो ठीक है बच्चों आओ हम इस पर आगे चर्चा करें।
आओ बच्चों, यहां पर कितने प्रकार के हुए बच्चों? तीन प्रकार के। एक बच्चों आपको क्या रहा? फलक केंद्रित, और दूसरा बच्चों अंत्य केंद्रित, और तीसरा बच्चों अंतः केंद्रित। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में से लिख लेते बच्चों पूरा। अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अगर बच्चों हमने क्या कहा, यदि आपके परमाणु कोने के अलावा फलक के केंद्र पर स्थित हो बच्चों, कहां पर? फलक के केंद्र पर। कोने पर हो गए और यही परमाणु बच्चों अब कहां पर स्थित हो? फलक के केंद्र पर। ये बच्चों हम यहां पर एक पीछे दिखा रहे हैं, इसलिए सब रंगीन कर दे रहे कि ये बच्चों पीछे, जानते रहिए, ये आपका पीछे है और ये आपके साइड है। तो कहां पर बच्चों? फलक के केंद्र पर हूं और कोने पर, उसे हम क्या कहेंगे? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। और यही बच्चों यदि परमाणु कोने पर हो और कोने के अलावा बच्चों कहां पर हो आपके? अंत्य केंद्रित, विपरीत फलकों पर हो, किन्हीं दो विपरीत फलकों पर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? अंत्य केंद्रित कहेंगे। और यदि यही परमाणु कोने पर हूं और कोनों के साथ साथ बच्चों कहां पर हूं? एकक कोष्ठिका के केंद्र में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। अगर बच्चों यहां पर आप जो बना रहे हैं सरल, अगर बच्चों यहां पर हम आपका बना दे रहे हैं सरल घने एकक कोष्ठिका बच्चों, तो सरल बच्चों क्या होता है आपका? परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सरल कहते हैं। अगर बच्चों अगली हेडिंग देखे आपकी, उनके योगदान, उनमें योगदान कहा है बच्चों परमाणुओं का, आओ उसको हम जान लें। जैसे बच्चों यहां पर कितने कोने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ कोने हैं। परमाणु का योगदान कितने कोने बच्चों? आठ कोने हैं। और एक कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान कितना होता है बच्चों? 1/8 होता है।
8 से 8 कैंसिल होता है एक पर मोड। अगर बच्चों यस्तिसी है तो उस पे जो परमाणु का योगदान होता है एक परमाणु का योगदान होता है। और बच्चों यहां पर देखिए यदि हम परमाणु का योगदान तो बच्चों बताइए कोने पर परमाणु है कितने कोने 8 कोने और एक परमाणु का योगदान 1/8 प्लस फलक कितने 6 फलक है बच्चों 1, 2, 3, 4 एक हमारी तरफ 5 एक नीचे 6 और जो फलक पर परमाणु का योगदान कितना आता है बच्चों 1/2 तो बच्चों क्या आएगा आपका 8 से 8 कैंसिल 2 3 6 1 3 बराबर बच्चों क्या आ गया आपका 4 परमाणु आ गया। अगर बच्चों यहां पर देखेंगे परमाणु का योगदान अगर बच्चों यहां पर परमाणु का योगदान देखेंगे तो कोने पर तो परमाणु तो है बच्चों तो 8 × 1/8 प्लस कितने विपरीत फलक पर है बच्चों कितने विपरीत फलक है एक यहां पर है बच्चों और एक क्या है इस वाले पे है तो बच्चों बताइए 2 फलक है और परमाणु का योगदान बच्चों क्या है 1/2 तो कितना है बच्चों 1 / 1 बराबर क्या है बच्चों 2 परमाणु। अगर बच्चों यहां पर आप देखेंगे तो 8 कोने बच्चों सभी पर परमाणु है तो 8 कितने का योगदान होता है बच्चों 1/8 प्लस ये पूरा का पूरा परमाणु कहां पर है एकक कोष्ठिका के बीच में है तो इसका पूरा का पूरा योगदान होगा एकक कोष्ठिका को बनाने में 8 से 8 कैंसिल तो 1 + 1 बराबर क्या बच्चों 2 परमाणु क्या बच्चों 2 परमाणु। तो पूरा कहने का मतलब क्या निकला बच्चों अगर आपका यस्तिसी होगा तो एक परमाणु का योगदान फलक केंद्रित एफसीसी होगा 4 परमाणु का योगदान अंत केंद्रित होगा बच्चों तो 2 परमाणु का योगदान और अंत केंद्रित होगा बच्चों तो 2 परमाणु का योगदान यहां पर भी होगा। तो इस तरीके से बच्चों एकक कोष्ठिका का हमने प्रकार देख लिया और उनका बच्चों क्या देख लिया योगदान देख लिया। आई होप बच्चों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर बच्चों आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।